प्रैक्टिकल अध्याय चार, अध्याय चार का जो प्रयोगात्मक है उसका नाम है उत्तर दिशा का अध्ययन, उत्तर दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मित्रों देखा जाए, चलिए थोड़ा सा परिचय हम लोग इसका दे देते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है उत्तर दिशा की जानकारी के लिए। बाकी कॉपी में लिखना है आप लोग उसी तरह लिखिएगा जैसे हमने इसमें लिखा है। आधुनिक युग में युद्ध क्षेत्र विस्तृत होने के कारण सैनिकों को अपरिचित युद्ध क्षेत्रों में भी कार्य करना पड़ता है, जहां पर दिशाओं का ज्ञान बिना यंत्रों की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। दिशाओं के ज्ञान के बिना सेना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में चारों दिशाओं में से वास्तविक उत्तर दिशा को ज्ञात करके अन्य दिशाएं ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे उत्तरों के प्रकार। मित्रों उत्तर के प्रकार इसमें देखा जाए तो जो हम लोग सैनिक मानचित्रों के अंतर्गत पढ़ते हैं इसमें हम उत्तर चार प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने हैं। बाकी हम लोग तो जानते ही हैं उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार ही दिशाएं होती हैं। अब ये बात दूसरी है उत्तरी कोना दक्षिणी कोना ये सब माना जाए तो कई दिशाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सैनिक मानचित्रों में हम जिन उत्तरों का प्रकार अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वास्तविक उत्तर, जिसे हम लोग ट्रू नॉर्थ या TN कहते हैं। मित्रों इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्ड इसलिए हमने लिखा है कि हर समय हम पूरा वर्ड नहीं लिख पाएंगे, फार्ट शब्द TN का ही प्रयोग करेंगे। तो TN का मतलब ही होगा ट्रू नॉर्थ। इसमें भले इसकी ज़रूरत ना पड़े लेकिन आगे आने वाले अध्यायों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, खास करके सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो वास्तविक उत्तर जो सीधी और सीधा उत्तर होता है जिसे हम लोग ढंग से जानते हैं वो होता है वास्तविक उत्तर। ठीक, दूसरा है ग्रिड उत्तर। ग्रिड उत्तर क्या होती है, मानचित्र पर जो ग्रिड रेखाएं होती हैं। मित्रों ग्रिड रेखाएं आप सब लोग जानते हैं, पड़ी और खड़ी रेखाएं हैं, इसके पहले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो ग्रिड रेखाएं होती हैं इसमें जो उत्तर दक्षिण रेखाएं होंगी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो थोड़ा से वास्तविक उत्तर से या तो थोड़ा से बाएं होगी, थोड़ा से तिरछी होगी, किधर भी हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रिड उत्तर। अर्थात मानचित्र पर खींची गई खड़ी रेखाओं में ऊपर की ओर ग्रिड उत्तर दिशा होती है और ये दिशा वास्तविक उत्तर से थोड़ा सा हट के होगी। मित्रों इतना ध्यान दीजिएगा, वास्तविक उत्तर तो बिल्कुल सीधी रेखा होती है लेकिन ग्रिड उत्तर जो होगा वो थोड़ा सा दाएं या तो थोड़ा सा बाएं, बाएं दाएं क्या होगा मित्रों इसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पूरब या थोड़ी सी पश्चिम। ठीक, चलिए अगला है चुंबकीय उत्तर। चुंबकीय उत्तर क्या है, सही कंपास की सुई। मित्रों इतने में भी याद रखना है आपको ग्रिड नॉर्थ अर्थात GN, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, चुंबकीय नॉर्थ अर्थात मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर जिसे शॉर्ट नेम MN है, इसको भी याद रखना है आपको क्योंकि बाद में हम इन्हीं अक्षरों को इसमें लिखेंगे। सही कंपास की सुई जिस ओर संकेत करती है वही चुंबकीय उत्तर हो। कंपास क्या है मित्रों, ये दिक्सूचक है जिसका हम लोग अगले सेमेस्टर में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। दिक्सूचक जिसे हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं, जो छोटा सा होता है जो खास करके जिस पे डायल नुमा एक डायलिंग घड़ी सुई लगी होती है जो फिर हवा में लहराती रहती है, ये उत्तर दिशा को बताती है जो कि वास्तव में वास्तविक उत्तर नहीं, ये चुंबकीय उत्तर होता है। ठीक, चलिए अगला है कंपास उत्तर, चौथा है कंपास उत्तर। इसको बोलते हैं कंपास नॉर्थ या दिक्सूचक, इसी को हिंदी में बोलते हैं कंपास को, इसको फार्ट नेम है CN। त्रुटि युक्त अर्थात कंपास का प्रयोग करते करते कभी उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, तो जो त्रुटि युक्त कंपास की सुई जब संकेत करती है G4 वही कंपास उत्तर या दिक्सूचक उत्तर होता है। यह वास्तविक उत्तर से थोड़ा बाएं हो सकती है, थोड़ा दाएं हो सकती है क्योंकि त्रुटि युक्त हो जाता है और यंत्र ये हर समय अच्छा रहता नहीं, तो उसी उत्तरांतर को निकालने के बाद हम जो है थोड़ा सा अंतर उत्तरांतर को निकालने के बाद हम उसमें वास्तविक उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं या चुंबकीय उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं कुछ त्रुटियों को निकालने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों कंपास उत्तर, सही उत्तर। इसको हम थोड़ा से आपको हम अलग से एक चित्र के माध्यम से थोड़ा दिखा देते हैं ताकि जो है इसको आपको समझने में आसानी हो। और वहाँ पर हम फार्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे, हालांकि ये इस सेमेस्टर में इसका प्रयोग नहीं है, जो भी इसका प्रयोग है सेकेंड सेमेस्टर में ही होगा, लेकिन जानकारी तो आपको अभी से ही होनी चाहिए। मित्रों आपके सामने ये तीन चित्र आपको दिखाया गया है,
ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ट्रू नॉर्थ जो भी है हर समय सीधी रेखा में होता है, ट्रू नॉर्थ चाहे जहां भी हो तीनों चित्रों में हमेशा सीधी रेखा में ही होगा, बाकी जो भी थोड़ा दाएं और बाएं होगा वो हमारा यमयान यानी चुंबकीय नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ या फिर ग्रिड नॉर्थ हमारा होगा। मित्रों यहाँ कंपास नॉर्थ का बहुत अधिक प्रयोग नहीं है, जो भी प्रयोग है आपको आगे है, फिलहाल इसमें हम प्रमुख रूप से दो ही उत्तरों तीन उत्तरों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वास्तविक उत्तर हर समय सीधी रेखा में रहता है जिसे हम लोग TN के नाम से जानते हैं, ट्रू नॉर्थ जिसे कहा जाता है। ठीक, उसके बाद थोड़ा दाएं और थोड़ा बाएं हमारा GN हो सकता है, ये देख सकते हैं आप GN जो कि वास्तविक उत्तर से थोड़ा सा इधर है पश्चिम की ओर, और यमयन चुंबकीय उत्तर हमारा पूरब की ओर है। इसी तरह दूसरे चित्र में हमने दिखाया है इसमें GN आपका इस तरफ है पूरब की ओर, यमयन आपका पश्चिम की ओर है, अर्थात ये कहीं भी हो सकता है किसी तरफ हो सकता है, इसको हम किन्हीं चीज़ों में नहीं मान सकते। ये आपके प्रश्न में किस तरह दिया जाता है, कैसे भी हो सकता है, किसी प्रकार हो सकता है। अब इसमें यहाँ इतना ही नहीं है, तीसरे चित्र में आप देख लीजिए वास्तविक उत्तर रेखा सीधी रेखा है, लेकिन इसमें यमयन और GN अर्थात मैग्नेटिक नॉर्थ या चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर दोनों जो है पूरब की ओर है, तो ऐसे में दोनों पूरब भी हो सकते हैं, दोनों पश्चिम में हो सकते हैं, एक उत्तर हो एक पूरब हो सकता है दूसरा पश्चिम हो सकता है, या पहला पूरब हो सकता है दूसरा पश्चिम हो सकता है। यानी ये यमयन और GN ये किधर हो सकते हैं, पूरब हो सकते हैं कि पश्चिम हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये किधर भी किसी रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसमें आपको एक चीज और भी बताना है कि आप जो है देखेंगे जितने कोण वास्तविक उत्तर से दाएं बाएं रहेगा वही उसका उत्तरांतर होगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य केंद्र बिंदु है वास्तविक उत्तर ही होगा। वास्तविक उत्तर और जो है चुंबकीय उत्तर के बीच जो है जो कोण होगा वो है चुंबकीय उत्तरांतर, और वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर के बीच जो कोण होगा वो है ग्रिड उत्तरांतर, अर्थात उत्तरांतरों में हर प्रकार का माप जो है वास्तविक उत्तर से ही मापा जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए बाकी आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तर, हमको उत्तर ज्ञात करने की विधियां हमको पढ़ना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे हम मित्रों, इसमें उत्तर दिशा ज्ञात करने की प्रमुख विधियां, उत्तर दिशा ज्ञात करने की प्रमुख विधियां इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। पहला नंबर है कंपास विधि। कंपास तो एक प्रकार का यंत्र होता है आप सब लोग जानते हैं, जो कि दिशाओं को उत्तर दिशा को खास करके बताता है, जिसे कंपास उत्तर के नाम से जाना जाता है। तो कंपास उत्तर क्या हो जो है चुंबकीय उत्तर बताता है, अगर त्रुटि विहीन है तो, ध्यान दीजिएगा, अगर त्रुटि उसमें नहीं है तो चुंबकीय उत्तर बताएगा, अगर त्रुटि युक्त है तो कंपास उत्तर बताएगा। तो कंपास एक प्रकार का यंत्र होता है, इस पर एक चुंबकीय सुई लगी होती है, यह चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है, यदि चुंबकीय उत्तरांतर को निकाल दिया जाए तो वास्तविक उत्तर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगला है ध्रुव तारे के द्वारा। ध्रुव तारा सदैव उत्तरी ध्रुव के ऊपर रहता है, इसलिए यह ठीक उत्तर दिशा को प्रकट करता है। तीसरा नंबर है सूर्य भगवान के द्वारा। सूर्य पूर्व की ओर निकलता है, जो क्रमशः 9 बजे दक्षिण पश्चिम में, 9 बजे प्रातः दक्षिण पूर्व में, 12 बजे दक्षिण में, 3 बजे दक्षिण पश्चिम में और शाम को पश्चिम में अस्त होता है। अर्थात 12 बजे सूर्य के ठीक विपरीत दिशा उत्तर दिशा को बताता है। मित्रों 12 बजे दक्षिण में रहेगा तो दक्षिण का विपरीत दिशा जो होगा वो उत्तर ही होगा। अगला है कब्रिस्तान के द्वारा। भारत में मुसलमानों की कब्र का उत्तरी हिस्सा ऊँचा बनाया जाता है, तो बस उत्तरी हिस्सा ऊँचा है तो समझ लीजिए उत्तर दिशा यही है। शिव मंदिर द्वारा, अगर शंकर भगवान की मंदिर दिख गई तो आप उसमें देख लीजिए कि लोग इसमें जो जल चढ़ाते हैं वो किस दिशा की ओर निकलता है, तो आप देख लेते हैं शिव मंदिर में शिव मूर्ति पर समर्पित जल सदा उत्तर की ओर ही निकलता है। ठीक, घड़ी द्वारा, आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी को जमीन पर इस प्रकार रखते हैं कि घंटे की सुई सूर्य की ओर हो, ऐसी स्थिति में घंटे की सुई और घड़ी के 12 अंक के बीच की रेखा दक्षिण दिशा को प्रकट करेगी, इसके ठीक विपरीत दिशा उत्तर को प्रकट करती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में रहने पर घड़ी के 12 के अंक को सूर्य की तरफ रखते हैं, ऐसी स्थिति में घंटे वाली सुई और 12 के अंक के बीच की रेखा
ठीक उत्तर दिशा को प्रकट करेगी। ठीक है मित्रों, ये हो गया। और इसमें एक चीज और जो है आप लोगों से पूछा गया है, एक चीज और बताया गया है कि समान ऊंचाई विधि के रूप में भी आपको लिखना है किस तरह उत्तर ज्ञात किया जाता है मित्रों। लेकिन ये समान ऊंचाई विधि हमारे पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको जो है आपको हम नहीं लिखाएंगे। और क्योंकि जब हमारे ही पल्ले नहीं पड़ रहा है तो हम आपको क्या समझाएंगे, इसमें ना समझने की वजह क्या है हमारे, आप देख सकते हैं। हमने किताबों में भी देखा है, उसमें सिर्फ इसी तरह लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं समतल भूभाग पर लकड़ी सीधी लकड़ी गाड़ दो और बांसों की कैंची बनाकर गाड़ दो, एक लकड़ी इस कैंची के ऊपर इस प्रकार रखो कि इसका उठा हुआ सिरा उत्तर की ओर हो। मित्रों हमको उत्तर ही तो ढूंढना है, हम उत्तर की ओर कैसे रखेंगे लकड़ी को, यही हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि समझा ही नहीं पाएंगे तो हम आपको कहेंगे भी नहीं कि इसको आप लोग लिखिए, फिलहाल उतना ही आप लोग लिखिए, छोड़िए इसको। अब या तो हमने जिस किताब में पढ़ा है उसमें कुछ उल्टा सीधा लिखा था, हालांकि किताब हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, दो किताबें हैं, एक में तो विधि है ही नहीं, दूसरे में है भी, श्रीवास्तव जीवाली में है भी, तो उसको हमारे समझ में नहीं आया हम कैसे करें। क्योंकि इसमें सीधा लिखा हुआ है कि एक तीसरी लकड़ी इस कैंची पर इस प्रकार रखो कि इसका उठा हुआ फिरा उत्तर की ओर हो। उत्तर हम ढूंढ रहे हैं तो कैसे हमको पता चलेगा कि उत्तर की ओर हम कैसे रखेंगे उसको, और जब वही उत्तर की ओर अगर हम रख लेंगे तो हमको रखने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमको उत्तर दिशा ही तो ढूंढना है। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी और कोई अगर इसमें समझ में हमारे आता है, क्योंकि किताब हमारे पास अभी नहीं है कोई और, ठीक, अगर कोई और किताब होती तो हम देख के समझाते, फिलहाल हमारे पल्ले अभी जो इस तरह लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है मित्रों। चलिए तब तक आप लोग खुश रहिए।